आज हम लोग बात करेंगे फास्ट कॉमेट के डिटेल्ड रिव्यू के बारे में और क्या ये एक अच्छा साइड ग्राउंड का ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और फास्ट कॉमेट एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जो धीरे धीरे काफी पॉपुलर होते जा रही है। पहले इतने पॉपुलर नहीं थी, बट रिसेंटली इट इज ग्रैबिंग सम अटेंशन फॉर गुड रीजन्स। तो आज हम लोग इसका करेंगे डिटेल रिव्यू ए टू जेड, देखेंगे कि ये क्या वर्थ है कि नहीं है, कितने इसके प्लान्स है, कौन कौन से अच्छे प्लान्स है, क्या डिस्काउंट मिल रहा है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में देखेंगे। शुरुआत करते हैं इनकी कंपनी से। फास्ट कॉमेट एस्टैब्लिश हुई थी 2013 में, 70 प्लस एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर और 50,000 प्लस यहाँ पे पर्सनल और स्मॉल बिजनेस वेबसाइट ओनर्स भी हैं। तो इट्स अ रिलेटिवली न्यू कंपनी, लेकिन फिर भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और होस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपेंसेस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट किया है। और इनके अगर अबाउट पेज पे जाएंगे तो आप लोगों को इनकी मैनेजमेंट टीम भी दिखेगी कि कौन कौन है इनकी टीम में और पूरा टेक्निकल सपोर्ट में कौन है, कस्टमर सपोर्ट में कौन है। तो आई एम हैप्पी टू सी इट। ऐसा यूजुअली हमें होस्टिंग कंपनी में नहीं दिखाई देता है कि कौन कौन है उस कंपनी में। ये वाला अबाउट अस पेज देख के मुझे काफी खुशी हुई है। तो शुरुआत करते हैं इसके ओवरव्यू से। जैसे ही आप लोग लॉग इन करेंगे इस टाइप का पेज ओपन होगा। ये रहा हमारा डैशबोर्ड जैसे हम लोग यहाँ पे लॉग इन करते हैं और नीचे फिर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ओवरव्यू आ जाता है और जो आपके एक्टिव प्रोडक्ट्स है वो इस टाइप से यहाँ पे दिखते हैं। सो जो दो होस्टिंग प्लान्स लिए हैं वो है फास्ट क्लाउड प्लस और फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा। ये दोनों प्लान्स को मैंने लिया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको लिया है 6 अप्रैल को, मेरी ड्यू डेट है इसको रिन्यू करने की 2021 में। तो एक्सेस सी पैनल मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा और मैं डायरेक्ट सी पैनल में अपनी एंट्री कर लूंगा। इस तरह से यहाँ पे आपको सी पैनल भी मिलता है और यहाँ पे बेसिक चीज़ें, साइट बिल्डर है, इंस्टॉल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें वैसे आपको सी पैनल से भी मिल जाएगी। जो एक अच्छी चीज़ लगी वो है व्यू रिसोर्स यूजेज करके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने आपकी रिसोर्स का यूज़ हुआ है, कितनी आपकी रिसोर्सेज खाली है, उस हिसाब से आप लोग अपने अपग्रेड का डिसीजन ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग मेरी ज़्यादा रिसोर्स नहीं हुई है। सो इट्स अ गुड डैशबोर्ड। मेरे हिसाब से इसे थोड़ा और सिंप्लीफाइड किया जा सकता था। सो जो दो वेबसाइट्स मैंने होस्ट करी है वो एक kptesthosting1.xyz, ये फास्ट कॉमेट प्लस पर है, kptesthosting2.xyz मेरी फास्ट कॉमेट एक्स्ट्रा पर है। ये दोनों मैंने होस्ट करी है मुंबई के डेटा सेंटर पर। अब मैं इसकी बात करता हूँ सर्वर रिस्पांस टाइम की। मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिली है सर्वर रिस्पांस टाइम। बैंगलोर में 2 ms का है, सिंगापुर में 59 मिली सेकेंड्स का है, लंदन में 125 मिली सेकेंड्स का है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ए प्लस है। वही सेम मुझे फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा पर भी लगभग देखने को मिली है। तो दोनों में मुझे यहाँ पर सर्वर रिस्पांस टाइम अच्छा देखने को मिला है। स्पीड की बात करूं तो मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट टेस्ट करे हैं। एक तो मैंने यहाँ पे कैशे प्लगइन लगा के किया जो कि W3 टोटल कैशे का मैंने यूज किया है, और एक यहाँ पे मैंने बिना कैशे प्लगइन का यूज किया है। तो जब मैंने इसको कैशे प्लगइन के साथ में यूज किया तो जो मुझे प्लस में जो स्पीड मिली वो थी 940 ms के अराउंड, और जो एक्स्ट्रा वाले प्लान में मुझे स्पीड मिली वो थी 798 ms के अराउंड, जो कि काफी अच्छी है। और जब मैंने इसके कैशे प्लगइन हटा दिए, W3 टोटल कैशे को हटा दिया, तब जो मुझे स्पीड मिली वो थी प्लस प्लान में 2.3 सेकंड की और एक्स्ट्रा प्लान में 1.6 सेकंड की। सो स्पीड अच्छी है यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अगर यहाँ पे मैं इसके अप टाइम की बात करूँ तो जो मेरा फास्ट कॉमेट प्लस वाला जो प्लान था, यहाँ पर सिर्फ मुझे 1 मिनट का डाउन टाइम देखने को मिला है पिछले 30-40 दिन में। और यहीं पर अगर मैं फास्ट कॉमेट एक्स्ट्रा की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी डाउन टाइम देखने को नहीं मिला है, 100% मेरा अप टाइम रहा है। सो अप टाइम भी मुझे यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिला है। कैशे मैनेजर की बात करूं तो आप लोगों को सिर्फ इनके जो प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग प्लान है सिर्फ उसी में कैशे मैनेजर देखने को मिलता है, जो कि फास्ट क्लाउड फास्ट कॉमेट एक्स्ट्रा के नाम से आता है। तो ये रहा मेरा वार्निश और मेम कैश, एपीसी, ओपी कैश, सारे मुझे सिर्फ इनके फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा में देखने को मिलते हैं। नाउ बात करते हैं इसके लोड टेस्ट की। तो यहाँ पर भी मैंने लोड टेस्ट में दो सिनेरियोज रखे, एक तो कैशे प्लगइन के साथ में, एक बिना कैशे प्लगइन के साथ में। तो जब मैंने कैशे प्लगइन का यहाँ पे यूज किया, सबसे पहले सेंड करी मैंने फास्ट कॉमेट का जो हमारा प्लस वाला प्लान था उस पर मैंने ट्रैफिक सेंड करी, 50 एक्टिव यूजर्स गए मेरे, उन्होंने कॉन्स्टेंटली उस पेज को रिफ्रेश किया। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हैंडल किया है इसने मेरे रिक्वेस्ट को। जो मेरी ब्लू लाइन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है और जो एवरेज रिस्पांस टाइम है वो भी 15 मिलीसेकंड के अंदर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो परफॉर्मेंस वाइज लोड टेस्ट में इसने 10 out of 10 है, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। इसी तरह से जब मैंने फास्ट कॉमेट एक्स्ट्रा पे ये परफॉर्मेंस टेस्ट किया और तो मुझे यहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस मिली है। यहाँ पे जो मेरा एवरेज रिस्पांस टाइम है वो थोड़ा और कम है, कोई भी मेरी HTTP फेलियर्स नहीं हुए, सारी रिक्वेस्ट मेरी इन्होंने यहाँ पे अटेंड करी है और मेरा एवरेज रिस्पांस टाइम 11.32 मिलीसेकंड का रहा है। अब जब मैंने वही टेस्ट बिना किसी कैशे प्लगइन के किया तो फिर ये मुझे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। ये है मेरा फास्ट कॉमेट प्लस का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मेरे यहाँ पे 30 वर्चुअल यूजर्स गए, रिस्पांस टाइम मेरा एकदम से स्पाइक हो गया।
कितना, 7 सेकंड तक यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स टाइम पहुंच गया, एंड देन धीरे धीरे वो वापस नीचे आया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HTTP फेलियर्स भी स्टार्ट होने मेरे यहाँ पे शुरू हो गए। तो इसके बाद जब मैंने यही टेस्ट फिर से अपने एक्स्ट्रा वाले जो प्लान था उस पर करके देखा, फास्टकॉमेट एक्स्ट्रा पे, तो आप लोगों को यहाँ पे ब्लू भी काफी ऊपर नीचे दिख रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इतनी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, अंडर 1 सेकंड ही है। इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी 182 ms का है और कोई HTTP रिक्वेस्ट फेलियर नहीं हुए। सो लोड टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जो फास्टकॉमेट का एक्स्ट्रा प्लान है वो ज्यादा लोड हैंडल कर पा रहा है और उसमें एक्चुअल में ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करी गई है कि वो ट्रैफिक स्पाइक को हैंडल कर। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ उसके डेटा सेंटर्स की। यहाँ पे टोटल 11 डेटा सेंटर्स हैं, US में है, यूरोप में है, UK में है, जापान में है और इंडिया में भी है, मुंबई में इसका डेटा सेंटर मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि एक अच्छी बात है। बैकअप की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को प्लस प्लान में 7 दिन का बैकअप मिलता है और जो इनका एक्स्ट्रा वाला प्लान है वहाँ पर आप लोगों को 30 दिन का बैकअप देखने को मिलता है। दोनों ही ऑफ सर्वर ऑफ साइट बैकअप हैं। इसका जो रिस्टोरेशन प्रोसेस है वो 1 क्लिक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फाइल सिस्टम एक अलग से रिस्टोर करना पड़ेगा और डेटाबेस अलग से रिस्टोर करना पड़ेगा। इसको मेरे हिसाब से कंबाइन किया जा सकता था कि 1 क्लिक पे बैकअप फाइल भी हो जाए और डेटाबेस भी दोनों रिस्टोर हो जाए। सो यहाँ पर एक माइनर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे इनोड काउंट की बात करूँ तो प्लस प्लान में मुझे मिलते हैं 3.5 लाख इनोड्स और जो मेरा एक्स्ट्रा प्लान था उसमें मुझे मिले थे 5 लाख इनोड्स, जो कि डिसेंट है एक शेयर्ड होस्टिंग के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे SSL की बात करूँ तो मुझे फ्री SSL मिलता है दोनों ही मेरे प्लान्स में अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो 24/7 लाइव चैट सपोर्ट है, जो कि काफ़ी फास्ट है अभी, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो फास्ट है लेकिन धीरे धीरे जब यूजर्स बढ़ेंगे तो हो सकता है ये थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन एट प्रेजेंट काफी फास्ट है, मुझे 5 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाता है एंड टेक्निकल भी हैं वो लोग। मेरे जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस रहे हैं काफी अच्छे से उन्होंने उसके आंसर किए हैं, तो टेक्निकली साउंड है इनका कस्टमर केयर सपोर्ट, लाइव चैट है, फास्ट है एंड यहाँ पर आप लोगों को फोन का कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये लोग 3 प्लान के साथ में आते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो फास्ट क्लाउड है, फिर फास्ट क्लाउड प्लस है, फिर फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा है, फास्ट कॉमेट की तरफ से आ रहा है ये। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो इनका पहला वाला प्लान है, अभी ये स्पेशल ऑफर चल रहा है COVID-19 के चलते, ये हमेशा नहीं रहेगा जो पहला $1 per month वाला है। तो अगर अभी आप लोग टेस्ट करने के लिए चाहिए तो यार ये बहुत अच्छा प्लान है, जब तक ये वाला है इसको डेफिनेटली ट्राई कर लो, ज़्यादा महंगा नहीं है, $1 per ही है। फिर यहाँ पर है फास्ट क्लाउड प्लस, फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा, जैसे कि हमने देखे दोनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। अगर आप लोग कैश प्लग इनका यूज़ करोगे दोनों में ही आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, तो इसमें से जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान है वो ये दोनों ही है, फास्ट क्लाउड प्लस, फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा। और अगर आप लोगों की ट्रैफिक ज्यादा आ रही है तो डेफिनेटली आप लोग फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा पे जाओ, दोनों में बैकअप मिल रहा है, इसमें 7 दिन का है, इसमें हमारा 30 दिन का बैकअप है। इसके प्राइसिंग की एक और बात ये भी है कि अभी देखो यहाँ पे 70% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 3 साल के लोगे तो 70% का डिस्काउंट है, 1 साल के लोगे तो भी 70% है, 2 साल के लोगे तो भी 70% है। रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 45 डेज की रिफंड पॉलिसी देखने को मिल रही है, जो कि यूजुअली 30 डेज की होती है बाकी होस्टिंग में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 45 डेज की देखने को मिल रही है। पेमेंट के लिए यहाँ पर आप लोग क्रेडिट कार्ड या फिर PayPal का यूज कर सकते हैं, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हैं, उससे मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं इस तरह के डिटेल्ड रिव्यू कर सकूं एंड अगर मुझे कोई डिस्काउंट कूपन मिलेगा तो वो मैं इसे नीचे इंक्लूड कर दूंगा। रिन्यूअल प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे 70% एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करना पड़ेगा, जो कि बाकी होस्टिंग में भी यूजुअली ऐसा ही होता है कि रिन्यूअल प्राइस वो लोग ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 70% ज्यादा देना पड़ेगा, तो हो सके तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले लेना, 3 साल के लिए मैक्सिमम आप लोग इसको ले सकते हो। डोमेन्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को फ्री डोमेन ट्रांसफर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा काम का नहीं है, डोमेन जहां पर है वहीं पर ही रखे रहने दो, कोई भी फ्री डोमेन नहीं मिलता है। पहले ये लोग फ्री लाइफ टाइम डोमेन देते थे, मतलब जब तक इनकी होस्टिंग रहेगी तब तक डोमेन रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो संभल के देखना, कंफ्यूज मत होना, कोई भी फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को फ्री टेम्परेरी डोमेन भी देखने को मिलता है, जो कि फॉरएवर है जब तक आपकी होस्टिंग है। माइग्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, ये लोग फ्री माइग्रेशन ऑफर करते हैं, लेकिन बाकी होस्टिंग जहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक माइग्रेशन दे रही है, ये आपको 3 माइग्रेशन करके दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो लेटेस्ट सी पैनल मिल रहा है आप लोगों को, PHP 7.4 है, Node.js, Python, Perl, Laravel सबका यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। डेवलपर टूल्स भी हैं यहाँ पे, गिट प्री इंस्टॉल्ड आ जाता है, बैश का सपोर्ट है, तो डेवलपर फ्रेंडली भी है और काफ़ी सारी लैंग्वेजेज होस्टिंग सपोर्ट करती है। साइट बिल्डर की बात करूँ तो ओकेश है, कुछ यहाँ पर खास नहीं है। इसकी अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो ये लोग सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं और आज तक इनकी होस्टिंग कभी हैक नहीं हुई है। ईमेल से यहाँ पर आप लोग अनलिमिटेड होस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे साइट ग्राउंड से कंपेयर करूँ, साइट ग्राउंड ऑल्टरनेटिव में अगर मैं इसको देखूँ, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है साइट ग्राउंड के अगेंस्ट में। नाउ फास्ट कॉमेट अभी नहीं है, मतलब इतने इसके पास कस्टमर नहीं है कंपेयर टू साइट ग्राउंड रिलेटिवली,
छोटी कंपनी है साइड राउंड से, लेकिन फिर भी ये उनको एट प्रेजेंट काफी अच्छा कंपटीशन दे रही है। और अभी तक जितने मैंने होस्टिंग देखी है साइड ग्राउंड के अगेंस्ट में, ये पहली एक होस्टिंग है जो इतने पास आई है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर केयर, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड इन टर्म्स ऑफ होस्टिंग ऑल्सो। साइड ग्राउंड से अगर यहाँ पे मैं इसकी प्राइसिंग कंपेयर करूँ, जो साइड ग्राउंड में आप लोगों को ग्रो बिग प्लान में मिल रहा है वो सिर्फ मिल रहा है 25,000, जो कि है $6 पर महीने का। वहीं पर अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो $4.50 में आप लोगों को 50,000 के लोग लिमिट दे रहे हैं, 50,000 यूनिक विजिटर्स पर मंथ। तो फास्ट कॉमेट की प्राइसिंग भी बेटर है और ये लोग फीचर्स भी ज़्यादा दे रहे हैं। ना अगर मैं रिन्यूअल प्राइस की बात करूँ तो दोनों में यहाँ पे 70% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब आप इसके गो गीक प्राइस पे जाएंगे जो कि 1,00,000 मंथली विजिट दे रहा है, उसकी रिन्यूअल प्राइस आप लोग देखेंगे $35 की है। वहीं पर यहाँ पर सिर्फ $20 की है इसके फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा की प्राइस। तो डेफिनेटली फास्ट क्लाउड कंपेयर टू साइड ग्राउंड ज़्यादा चीप है और ज़्यादा रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर फ्यूचर में फास्ट कॉमेट नए कस्टमर्स को इजीली हैंडल कर लेती है, उनका कस्टमर सपोर्ट सेम रहता है जैसे कि आज है, तो मेरे हिसाब से साइड ग्राउंड का काफ़ी अच्छा कंपटीशन बन सकती है। अभी फिलहाल एक और ऐसी वेबसाइट है जो मैं देख रहा हूँ तो दोनों में काफ़ी क्लोज कंपटीशन चल रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट तो ये वाली लीड कर रही है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पीटिंग अगेंस्ट साइड ग्राउंड। सो बिफोर आई जंप ऑन टू द प्रोज एंड कॉन्स, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। तो अब अगर मैं इसकी प्रोज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अच्छी स्पीड मिलती है, अच्छा अप टाइम मिलता है, कस्टमर केयर सपोर्ट अच्छा है इनका, और ये वेबसाइट ये होस्टिंग लोड भी इजिली हैंडल कर लेती है। कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो स्पेस मिलती है वो थोड़ी कम है। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, अब यहाँ पर जो मेरा प्लस वाला प्लान है मुझे सिर्फ 25 GB की SSD स्पेस मिल रही है, और फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा पर भी सिर्फ 35 GB की SSD स्पेस मिल रही है। तो ये थोड़ी कम है, अगर आपकी कुछ ज़्यादा हैवी वेबसाइट है, वीडियो की वेबसाइट है, इमेजेस की वेबसाइट है, तो ये स्पेस लिमिट हो सकती है। सेम लिमिटेशंस आप लोगों को साइड ग्राउंड पर भी देखने को मिलती है, वहाँ पे भी स्पेस की लिमिटेशन है। नाउ जंपिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट कॉमेट रिलेटिवली स्मॉल कंपनी है कि अगर हम लोग साइड ग्राउंड है A2 होस्टिंग से कंपेयर करें तो, लेकिन जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, जो अपने कस्टमर सपोर्ट में इन्वेस्ट किया है, वो काफ़ी अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन टू अस। एंड साइड ग्राउंड का अगर आप लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा, जो कि उससे थोड़े कम प्राइस में उससे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर दे, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दे, तो फिर फास्ट फॉर्मेट आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।